इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्राथमिक विद्यालय कन्या दांग पर। आप बिल्कुल इसके बराबर में देख सकते हैं, बीएसए ऑफिस की बिल्डिंग है और उसके ठीक बराबर में ये विद्यालय है। यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा लगातार छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। अगर बात करें इस विद्यालय में तो कक्षा 5 तक का ये विद्यालय है। यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षक मौजूद हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तनुषी मित्तल। मैम, डिजिटल अटेंडेंस को लेकर अगर बात करें, क्या व्यवस्थाएं इस विद्यालय में सर? डिजिटल अटेंडेंस जो है हम लोगों को कहा गया था कि आप लोग लगाइए, लेकिन क्योंकि हमारे सब यूनियन वगैरह से विरोध हुआ है कि जब तक सब लोग नहीं लगाएंगे तब तक हम भी नहीं लगाएंगे। जब 100% सब लगाने लगेंगे तो हम भी लगाने लगेंगे। डिजिटल अटेंडेंस के लिए क्या चीज़ मुहैया कराई गई है? सर हमें टैबलेट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आज 11 तारीख थी, आज आपके द्वारा अटेंडेंस लगाई गई? नहीं, आज नहीं लगाई गई। क्यों? क्योंकि हम लोग विरोध कर रहे हैं अभी। क्या विरोध है आपका? हमारा विरोध यही है कि भाई अगर ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू की जा रही है तो ऊपर से ही शुरुआत हो। अगर मान लीजिए हमारा अधिकारी शुरू कर रहा है तो अधिकारी लगाए सबसे पहले, फिर हम लगाएंगे। शिक्षकों की मांग है पहले अधिकारी को अटेंडेंस लगाएं। हाँ, पहले सब लोग लगाएं तब हम लगाएंगे। मैम अगर बात करें कक्षा 5 तक का ये विद्यालय, कितने शिक्षक यहाँ तैनात हैं? यहाँ पे एक हेड है जो कि मैं हूँ और एक शिक्षा मित्र हैं। दो जने 5th क्लास तक पढ़ाते हैं? हाँ जी, दो जने हम 5th क्लास तक पढ़ाते हैं। कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो समस्याएं काफ़ी होती हैं भाई, क्योंकि मैं हेड हूँ, मुझे और भी स्कूल के काम देखने होते हैं, पेपर वर्क होता है, सारा वर्क होता है, वो भी देखना है और क्लासेस भी देखनी है, और एक शिक्षा मित्र हैं वो। अधिकारियों से शिकायत करी? हाँ जी, रिटर्न में भी दिया हुआ है सर, और वैसे भी मतलब बोल रखा है कि जो है टीचर्स प्रोवाइड कराए जाएँ, लेकिन अभी तक स्कूल में ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं। कब से शिक्षकों की कमी है विद्यालय में? यहाँ करीब 2 साल से। पहले यहाँ पे एक शिक्षा मित्र और थी, लेकिन वो जो है लंबी अवकाश पे चल रही है, तो जिस कारण हम सिर्फ 2 ही शिक्षक यहाँ पे मैनेज कर पा रहे हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं आपके विद्यालय में? यहाँ पे व्यवस्थाएं तो ऑलमोस्ट बहुत सारी हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये विद्यालय कायाकल्प में वो हुआ है, तो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि स्मार्ट क्लासेज हैं। हाँ जी, स्मार्ट क्लासेज हैं, सोलर पैनल लगा हुआ है, लाइट की पूरी व्यवस्था है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और टॉयलेट्स बने हुए हैं साफ़ सुथरे, आरओ, वाटर कूलर, मतलब सारी ही फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन सिर्फ जो कमी है वो टीचर की है। शिक्षकों की कमी महसूस होती है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता है? बिल्कुल होता है, हम भी इस चीज़ के लिए हम खुद सोचते हैं कि हम जिम्मेदार हैं उसके लिए, कि हम उन्हें उतना नहीं दे पा रहे जितना कि हमें देना चाहिए। क्या कुछ अधिकारियों से मांग रही आपकी अधिकारियों को, आपने लिखित में शिकायत की, क्या आश्वासन दिया अधिकारियों को? आश्वासन दिया जाता है हर बार, अब भी दिया गया है कि समायोजन होंगे, उसमें शिक्षकों जहाँ पे विद्यालय में शिक्षक कम हैं वहाँ पे समायोजन के थ्रू शिक्षक भेजे जाएंगे। अभी हमें इंतजार है उस चीज़ का कि क्या रिजल्ट रहता है। डिजिटल अटेंडेंस के लिए आपको टैब मुहैया करा दी गई है, तो क्या कुछ है इसको, आपने टैब को देखा ऑन करके, किस तरीके से आपको अटेंडेंस लगानी है? हाँ जी, इसको जब हमने सिम डाल के ऑन करा था तो इसमें पूरा प्रेरणा ऐप पूरा हमने डाउनलोड करा हुआ है, और इसमें सारे रजिस्टर्स हमारे जो हमें 14 रजिस्टर्स हैं वो सब ऑनलाइन ही करने हैं, जैसे और बेसिकली जो है वो टीचर्स अटेंडेंस और स्टूडेंट्स की अटेंडेंस और बच्चों का मिड डे मील जो है वो हमें इसके थ्रू मतलब करना है ऑनलाइन। ट्रेनिंग वगैरह कुछ कराई गई इस ऐप को लेकर? ट्रेनिंग तो ऐसा अभी कोई ऐसी हमें नहीं दी गई है इसकी, मतलब यूट्यूब सेशंस वगैरह थे उसमें हमें बताया गया था। हाँ, कहीं ना कहीं इस डिजिटल अटेंडेंस को लेकर समस्या है या सब कुछ समझ में आ गया? नहीं, समस्या तो है ही सर, जब तक हम करेंगे इसको तो हमें समस्या आएंगी, जब हम यूज़ करेंगे तो समस्या आएंगी, उसके लिए ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। अगर बात करें इस जिस कमरे में हैं हम, इसमें किस किस क्लास के बच्चे हैं? यहाँ पे एक तो 3rd क्लास बैठी है और प्लस रेमिडियल क्लास चल रही है यहाँ पे, 2 क्लास एक साथ पढ़ा रही हैं। हाँ जी, समस्या भी होती होगी कहीं ना कहीं? हाँ बिल्कुल समस्या आती है। देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें इस विद्यालय में लगातार शिक्षकों के द्वारा छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है, और यहाँ पर और भी क्लासेस हैं जहाँ पर शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। जी मैम, क्या नाम है आपका? शालिनी। शालिनी जी, क्या व्यवस्थाएं इस विद्यालय में? व्यवस्था तो सर सब कुछ ठीक है, फर्नीचर है, स्मार्ट क्लासेस हैं, लाइट है, सब कुछ सब ठीक है, बस एक टीचर्स की ज़रूरत है, विद्यालयों में टीचर्स की ज़रूरत है। हम 2 ही लोग हैं, हेड मैम और मैं शिक्षा मित्र, तो काफ़ी परेशानी होती है बच्चों को संभालने और पढ़ाने में। अधिकारियों से शिकायत करिए कभी इसको समस्या को लेकर? जी, अधिकारियों से तो हेड मैम बराबर लिखित में प्रार्थना पत्र देती आई हैं,
अधिकारी अवगत हैं इस समस्या से। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर क्या कुछ कहना है आपका, जिस तरीके से डिजिटल अटेंडेंस का विरोध हो रहा है? डिजिटल अटेंडेंस को लेकर जो विरोध हो रहा है सर, टीचर्स बाकी सारे काम कर सकता है तो ये भी कर सकता है, लेकिन शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए, अधिकारी घर से होनी चाहिए। ये मांग है शिक्षकों की कि पहले अधिकारी को जो है तुम्हारा ऑनलाइन अटेंडेंस लगानी चाहिए। जी आज अटेंडेंस लगानी थी ऑनलाइन, क्या लगाई आपने? नहीं सर, आज तो नहीं लगाई। ऑफलाइन ही अटेंडेंस लगी है जिस तरीके से पहले चलती है? जी रिटर्न में। बात करें इस विद्यालय की, आपके क्लास में किस कक्षा के छात्र हैं? मैं कक्षा 4 और 5 पढ़ा रही हूँ इस वर्ष। इस समय ये किस क्लास में जो है? ये 4th और 5th के ही हैं। साथ में बैठे हैं? जी साथ में बैठा है, क्योंकि टीचर्स कम है तो कहीं ना कहीं कमी है। जी कमी तो है ही सर, उस वजह से तो शिक्षक जूझ ही रहे हैं शिक्षकों की कमी से। देखिए मुरादाबाद के इस विद्यालय में शिक्षकों का कहना है कि शिक्षकों की कमी है, जिसकी वजह से कई सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। अब देखना ये होगा इस विद्यालय की तमाम समस्याएं कब तक समाप्त होती हैं। शारिक सिद्दीकी, टीवी9, मुरादाबाद।